मुझे डिस्कस पालने का बहुत मन है, मैं एक नया हॉबीस हूँ, पर ये जो इतना डिस्कस इतना टफ भी है और इतना 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 वाटर चेंज लगता है, बस टाइम ही नहीं है अभी, तो मैं क्या करूँ, डिस्कस पालो ही नहीं। तो दोस्तों ये है आज का टॉपिक, यानी कि सीधा सीधा एक नया हॉबिस्ट कितना सा कितना मिनिमम टू मिनिमम कितना वाटर चेंज कितना होना चाहिए ताकि वो कम से कम डिस्कस कीपिंग कर सके। और ये वीडियो इज एग्जैक्टली डेडिकेटेड टू मिस्टर राजा, मेरे एक व्यूअर जो थे, ये टॉपिक को लेके उन्होंने वीडियो करने बोले थे। यानी कि हम लोग आज पूरा चर्चा करेंगे, इट्स ऑल अबाउट वाटर चेंज। ठीक है, और हमारे गेस्ट कौन है और कोई नहीं, आदरणीय मिस्टर अमृतायन गोस्वामी। Hi. Also a dealer of Sam's Discus, that is of Mr. Sanjay Khandagle's Indian's top discus. Hi, Amritayan. एक वर्ड में क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कितना परसेंटेज वाटर चेंज होने से डिस्कस हम लोग पाल सकते हैं? एट फर्स्ट मैं कुछ पॉइंट के ऊपर बात करूँगा। फर्स्ट पॉइंट आपको देखना है टैंक कैसा है। अच्छा। तो टैंक मतलब कौन सा साइज का टैंक परफेक्ट है डिस्कस के लिए। अगर आपका स्पेस छोटा है तो फिर आप 3 फीट के टैंक यूज़ कर सकते हैं डिस्कस के लिए, उससे छोटा नहीं। डिस्कस के लिए मिनिमम तीन फीट का टैंक चाहिए। उसका 3 फीट साइज होगा, हाइट होगा, और जो वाइड और लेंथ टोटल में लेंथ आएगा 3 फीट का, वाइड और हाइट आएगा 18 इंच का, डेढ़ तीन। उसका पूरा ऐसा ही सेटअप में रहेगा। और अगर टैंक बेयर बॉटम हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि डिस्कस के लिए जो क्लियर वाटर है, जो एक्चुअली है दो टाइप में डिवाइडेड होता है, एक है बायोलोड और एक है वेस्ट लोड, केमिकल लोड। तो फिर बायोलोड अगर और वेस्ट लोड को अगर आप मेज़र करना चाहते हो तो इसको बेयर बॉटम रखने से बहुत फ़ायदा मिलता है। 3 फीट का टैंक तो है ही, और 4 फीट और उससे ज़्यादा बड़ा होगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बढ़िया होगा उसमें। तो यानी अमृत आयन, अगर मैं पहले एक कंक्लूड करूं कि एक्वेरियम का साइज, यानी जितना बड़ा टैंक उतना ज़्यादा पानी, यानी वाटर लीटर्स, तो उसके हिसाब से भी वाटर चेंज एक डेफिनेटली वो भी एक फैक्टर होता है। फैक्टर होता है, ये पहला एक फैक्टर होता है। अभी देखिए डिस्कस कितना पीसेस रख पाते हैं एक टैंक में, मतलब पाएंगे, ये भी ज़रूरी है जानना। तो पहले आपको ये देखना है कि एज़ पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस 34 लीटर में 1 डिस्कस अब रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, 34 लीटर में 1 डिस्कस। हाँ, पर अगर कितना साइज का डिस्कस, छोटा हो या बड़ा, मतलब आपको मेज़र कर लेना है कि ये डिस्कस बड़ा होके ही जैसा साइज आएगा उसमें ही रखना है, वही साइज़ में रखना है। एडल्ट डिस्कस के लिए, हाँ, एडल्ट डिस्कस का साइज, हाँ। छोटा डिस्कस जुवेनाइल के लिए तो और भी छोटा है, और वो भी ज़्यादा रख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर आपका टैंक के लिए अगर 3.5 देर हुआ, जो कि मेरा टैंक है, इसका वाटर वॉल्यूम है 200 लीटर, तो 200 लीटर डिवाइडेड बाई 35 करो तो आ गया कि आप कितना डिस्कस, आप बड़ा साइज का डिस्कस रख सकते हो, क्योंकि शायद आई थिंक अराउंड 5-6-7 के, हाँ, 6 के आसपास आता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग 20 लीटर में भी एक डिस्कस रख सकते हो, वहाँ पे उसमें भी साइज है तो रख सकते। नहीं, बड़ा भी होगा तो थोड़ा बहुत वाटर चेंज ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी इसमें आता है बायोलोड। अभी बायोलोड क्या होता है, उसमें पानी में जो मच्छी रह रहा है वहाँ पे, उसका जो खाना जा रहा है, उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है पानी में, जो डाइल्यूशन रह रहा है, उसका जो डिटलिंग में जो हार्मोनल सिक्रेशन हो रहा है वो कितना तक हो रहा है, वो टोटल डाइल्यूशन को बायोलोड बोलते हैं, ठीक है। तो वो बायोलोड पे जाता है। अभी बायोलोड तो कोई वैसे खाली आंख से तो हिसाब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये ख्याल पे रखना है कि आपका टैंक का बायोलोड ज़्यादा ना हो, मतलब ज़्यादा डिस्कस आ जाएगा, पानी धुंधला होता जाएगा, एमोनिया स्पाइक होता जाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, फिर वो जो बायोलोड होता है वो बढ़ जाता है। हम लोग
को समझ में नहीं आता है, तब नया वाला हॉबीस्ट को समझ में नहीं आता है। हम लोग तो बोल देते हैं हाँ ठीक है, जो प्रो हॉबीस्ट है वो लोग कर लेता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नया वाला हॉबीस्ट को समझ में नहीं आता है, ज़्यादा डिस्कस ले लेते हैं। तो फिर आप 6 डिस्कस का अगर आपका टैंक में रिक्वायरमेंट है तो आप 8 डिस्कस रख सकते हैं, बराबर प्रॉब्लम है, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, लेकिन उससे ज़्यादा अगर होगा तो अगर मैच्योर डिस्कस रहेगा उसमें तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, एमोनिया स्पाइक होने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, बायोलोड ज़्यादा भी हो सकता है, केमिकल वेस्ट, तभी केमिकल वेस्ट क्या होता है, अभी केमिकल वेस्ट होता है क्या, जो पुप्स होता है, वेस्टेज ऑफ फूडेस रहता है, ठीक है, अदर्स लाइनिंग ऑफ बैक्टीरिया रहता है, उसमें जो एल्गी से बैक्टीरिया क्रिएटेड होता है वो जो होता है वो सब केमिकल वेस्ट में जाता है, वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप एकदम छोटा साइज का डिस्कस रखे हो पकड़ एकदम जुविनाइल, तो शायद आपका बायोलोड और कम भी होंगे, और इन दैट केस आपका वाटर चेंज आपका कम होने से भी आपका चलेगा, या हाँ, तो चलेगा फ्रीक्वेंसी में होने भी चलेगा, चलेगा। देखिए ऐसा बात नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ वो एकदम मैच्योर साइज का डिस्कस के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा। अभी छोटा साइज का डिस्कस रहेगा तो उसमें तो बायोलोड कम ही रहेगा, 8 मच्छी तो दिखाई ही नहीं देगा टैंक में, बिल्कुल एक ही साइड पे रहेगा, बिल्कुल, लेकिन क्या है उनका कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा टैंक में, टैंक जो वाटर टैंक का जो वाटर है वो सॉफ्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, उसमें बायोलोड कम रहेगा, केमिकल वेस्ट कम रहेगा, और अच्छा वाला अगर फिल्ट्रेशन रहेगा, सांप रहेगा या फिर हाई क्वालिटी का कैनिस्टर रहेगा तो उसमें तो बढ़िया रहेगा मच्छी। अच्छा, तो यानी आप ये भी मीन कर रहे हो कि फिल्ट्रेशन क्या है? हाँ, फिल्ट्रेशन भी बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसके अनुसार आप वाटर चेंज कितना हुई फ्रीक्वेंसी या तो कितना परसेंटेज, हाँ वो तो रहता है, वो तो रहता है, ये थोड़ा हम लोग को समझा के बोलिएगा ना कि देखिए फिल्ट्रेशन होने पे। अगर बहुत सारा हॉबीस्ट को ऐसे क्वेरी भी मेरे पास आता है कि दादा मेरे को डिस्कस रखना है लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है तो मैं मैनेज कैसे करूँ, तो मेरा एक ही कहना है कि डिस्कस को वैसे कुछ ज़्यादा तरीके से मैनेज करना नहीं होता है, उसका सिर्फ पानी को क्लियर रखना है। अभी पानी को क्लियर रखने के लिए अगर आप कुछ महंगा सा फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे तो वो मच्छी बढ़िया रहेगा उसमें, अगर महंगा ना कर पाए तो सांप यूज़ कर सकते हैं, एक बार बना लीजिएगा बस वो चलता रहेगा, उसके हिसाब से भी पानी अच्छा रहेगा, उसमें कुछ बायोबॉल्स वगैरह या फिर कुछ बायो केमिकल जो ऐसा रहता है ना क्या बोलते रॉक्स वगैरह ऐसा भी ऐड कर सकते हैं, स्पॉन्ज देते हैं, हाँ स्टोन वगैरह ऐसा कुछ दे सकते हैं, जियोलाइट दे सकते हैं, ठीक है, उसमें वो बहुत बढ़िया रहता है। दूसरा है कि अगर आपके पास ऐसा कुछ फिल्ट्रेशन ना रहे फिर आप कैसे रखेंगे, एक टॉप फिल्टर यूज़ कर लीजिए, छोटा वाला एक टॉप फिल्टर, मतलब जैसा 3 फीट का टैंक का साइज़ है उतना हिसाब का एक टॉप फिल्टर यूज़ कर लीजिए जिसका वर्डेज ऐसा रहेगा कि वो 3 फीट का टैंक को क्लीन कर पाए, ठीक है, वैसे टाइप का एक टॉप फिल्टर लगाइए वहाँ पे, सिर्फ स्पंज यूज़ कीजिए और कुछ यूज़ करना नहीं है स्पंज के अलावा, अगर ना करना है तो, मतलब कितना ईजी कर सकते हैं मैं वही बोल रहा हूँ। उसके साथ बेयर बॉटम टैंक अगर होगा तो अच्छा रहेगा, आप देख सकेंगे कितना वेस्ट पड़ा हुआ है, कितना फ्रूट नहीं फिट किया है डिस्कस में, ठीक है, और कितना वाटर क्वालिटी कितना ख़राब हो रहा है, एल्गी हो रहा है, क्या हो रहा है, आप वाइप भी कर सकते हैं उसको, आप वीकली 2 times वाटर चेंज कीजिए, एक टॉप फिल्टर लगाइए, स्पंज रहने दीजिए उसमें, और उसके साथ एक स्पंज फिल्टर अगर टैंक में लगा सकते हैं तो लगाइए, मतलब अगर 2 फिल्टर हो, हाँ, टॉप फिल्टर और एक एरेशन, एरेशन जो होता है वो नॉर्मल वाला जो फिल्टर होता है पंप लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं आप, और उसके साथ 2 times वीकली वाटर चेंज कीजिए 40-45%। अच्छा, एक ही बार में 40-45% इन्हें, अगर आप कुछ हार्ट मिक्स नहीं खिला रहे हैं तो। तो यानी आप बोलना चाह रहे हो अभी फिल्ट्रेशन तो एक
फैक्टर तो है ही कि हाँ। बहुत स्ट्रॉन्ग किसी का फिल्ट्रेशन है, जैसे अगर सम्प हो है, हाँ। तो शायद उनका वाटर चेंज थोड़ा कम होने भी चलेगा। हाँ डेफिनेटली, देखिए ये भी डिपेंड करता है कि मानिए किसी का सम्प टैंक बहुत बड़ा है और सम्प आपका इतना छोटा है, हाँ। तो भी वो खास कोई मतलब काम नहीं होगा उसका। उल्टा सम्प काफी बड़ा है, हाँ। जिसमें काफी चेंबर्स है, काफी सारा आपका हाँ। फिल्ट्रेशन सिस्टम, मतलब एक स्टैंडर्ड साइज का होना चाहिए। आप अगर बीफ हार्ट या गोट हार्ट खिलाए तो फिर क्या वाटर चेंज क्या होना चाहिए? देखिए इसमें बहुत सारा पर्सन का बहुत सारा नुस्खा है, फिर भी मैं दो पॉइंट पे बोलना चाहता हूँ। एक है प्रोटीन वेस्ट जो डिकम्पोज होता है पानी में, वो अगर थोड़ा सा डिकम्पोज हो तो अच्छा है पानी के लिए। थोड़ा मतलब आपको आँखों से जस्ट थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा है नीचे, डॉट डॉट वगैरह ऐसा कुछ, वो अगर डिकम्पोज हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, उसमें थोड़ा बहुत में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो अच्छा है साइकिलिंग के लिए भी अच्छा है। वाटर साइकिलिंग नाइट्रेट क्रिएट करने के लिए भी अच्छा है, वो कार्बन सॉल्यूशन के लिए भी अच्छा है, वो मैं बाद में आऊँगा। और लेकिन प्रोटीन वेस्ट अगर ज़्यादा हो जाए, प्रोटीन से एक्चुअली प्रोटीन वेस्ट, प्रोटीन डिकम्पोज से ही अमोनिया क्रिएट होता है, अमोनिया स्पाइक वैसे ही होता है, वो तो एसिडिक होता है। ऊपर अगर बेयर बॉटम टैंक होगा, टैंक के ऊपर ढक्कन नहीं होगा, खुला रहेगा, तो वो वैसे भी थोड़ा बहुत अमोनिया निकल ही जाता है उसमें। अगर जो स्पाइक होता है थोड़ा बहुत रह जाता है, बाकी सब निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी में वो कॉम्पैक्ट हो गया। कॉम्पैक्ट कब होता है? जब वो ऊपर ढक्कन रहता है, निकल नहीं पाता है वो वैसे भी एसिडिक है, ऊपर से निकल जाएगा। और एक बात है कि अगर ज़्यादा वेस्ट रह जाए प्रोटीन का, तो वो बहुत ख़राब है पानी के लिए। और अगर फिश के पूप से भी प्रोटीन, कुछ पूप्स वैसे होता है वेस्ट होता है जो प्रोटीन उसमें उसके साथ भी आता है, वो भी अगर रह जाए दो दिन तीन दिन चार दिन से रह जा रहा है, उसमें भी थोड़ा बहुत वाटर पैरामीटर चेंजेस होने वाला, मतलब होगा उसमें, वो रहता है उसमें चेंजेस। तो फिर आप अल्टीमेटली फिर ये हार्ट मिक्स में आप क्या रिकमेंड? हार्ट मिक्स अगर आपको खिलाना है तो पहले तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप 20 मिनट्स तक देखिए देने के बाद। विद इन 20 मिनट्स अगर जो भी ना रहे उसको क्लियर कर दीजिए। खाने के बस 20 मिनट बाद ही आप बोल रहे, 20 मिनट के अंदर क्या वाटर चेंज करना सही है? हाँ सही है, सही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ये एकमात्र सिर्फ विंटर के लिए प्रॉब्लमेटिक है और बाकी कोई सेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अच्छा, अगर 20 मिनट्स में ना करे तो ये क्या फ़र्क क्या होगा? अगर ये कोई 20 मिनट्स में कर नहीं पाए, वो कुछ एक घंटा के बाद कर रहा है, तो कुछ फ़र्क होंगे क्या उसमें? जो उसका जो ऑर्डर है वो पानी में शोक हो जाएगा। अच्छा, फिर उसका जो डिकम्पोजिशन, हाँ डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन अगर ना भी हो, मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ, अगर उसका कुछ भी पार्टिकल्स इधर उधर रह रहा है, लग रहा है कि वो नहीं क्लीन हुआ है या फिर वो निकल गया है, आँख से निकल रहा है, अगर 15 मिनट्स 20 मिनट्स के क्या आप दिख रहे हैं इधर उधर, वो जो पानी जो वेव करता है इधर उधर, जो घूमता है डिस्कस, इधर उधर लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, फिर क्या होता है वो ना घूम जाता है इधर उधर, तब आपको दिखाई भी नहीं देगा इधर कहाँ पे कहाँ घुस गया है वो। अभी वो रह जाएगा, फिर वो डिकम्पोज होगा, फिर वो धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब डिकम्पोज हो गया है वहाँ पे। अच्छा, और तो फिर जानना चाहेंगे फिर ये हार्ट मिक्स में फिर कितना परसेंटेज चेंज करना चाहिए? हार्ट मिक्स खिलाने पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 25-30% तो करना ही पड़ेगा। मिनिमम मैक्सिमम तो 85-95% तक कर सकते हैं। 90-95% कोई तो 100% भी कर देता है, मच्छी ऐसे हो जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, जो जो कर देता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ उसको फुल एकदम वाटर चेंज नहीं करता। 100% वाटर चेंज बहुत ख़राब होता है मच्छी के लिए, उसका जो बहुत सारा बैक्टीरियाज है वो निकल जाता है, गुड बैक्टीरियाज। हाँ नहीं नहीं, स्लाइम का ऐसा कुछ चांसेस नहीं रहता है, गुड बैक्टीरियाज जो रहता है वो निकल जाता है बहुत सारा वाटर से। हाँ, वाटर का गुड बैक्टीरिया, गुड पैरामीटर जो रहता है, एक अच्छा वाला बैलेंस रह गया है पानी में। आप पूरा 99% क्लीन करके फिर दूसरा वाला पानी डाल दिए, अगर उसमें कुछ क्लोरीन इफेक्ट रहेगा ना पानी में, डायरेक्टली चार्ज हो जाएगा मच्छी को।
मतलब अगर क्लोरीन बर्न हो जाएगा तो आप संभाल भी नहीं पाएंगे डिस्कस को। अगर आपका 35% पानी चेंज हो रहा है उसमें क्लोरीन बर्न नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, जो इफेक्ट होगा वो मच्छी सहलेगा। कर सकते हो। कितना दिन में ये हर रोज ये हार्ट मिक्स खिलाने से हर रोज ही करना पड़ेगा आइडियली, फिर हर रोज बोलते मतलब वेस्ट को उठाना ही पड़ेगा। अच्छा मिक्स हार्ड मिक्स का जैसा भी वेस्ट रहेगा, प्रोटीन का जैसा भी वेस्ट रहेगा, अगर आप नहीं हटाएंगे तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा मच्छी के लिए। एक दिन में बीमार नहीं आएगा डिस्कस, ऐसा नहीं है कि डिस्कस बीमारी स्टार्ट हो गया, आज स्टार्ट हुआ कल मेडिसिन नहीं करे तो परसों मर जाएगा। डिस्कस बहुत टाइम देता है, ये लोगों का बहुत गलत फहमी है, ये हॉबीज लोगों का बहुत गलत फहमी है। डिस्कस बहुत कॉस्टली फीस है, जल्द से जल्द मर जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत हार्डी फीस है। मेरा इतना दिन से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं पहले हॉबीज था, अभी सेलिंग में आया हूँ, लेकिन मेरा हॉबीज से तब से मेरा एक ही ये था कि मैंने देखा डिस्कस नेचुरली मेरे कभी ऐसा बीमार नहीं आया कि दो दिन में मर गया। मैं भी तभी पहले 90% 95% वाटर चेंज कर देता, हाँ डिस्कस का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आपका 35% में भी जैसा होगा, 45% में भी जैसा होगा, अभी 95% में भी वैसा होगा। ग्रोथ रेट में वैसा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आता है, कैसे भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो मैं एक पहले का भी एक वीडियो में कुछ बताया था कि रेजिंग में थोड़ा बहुत लाइट का भी हेल्प होता है, अगर वो जला रहेगा, वो एक लाइट का अगर छोटा भागता रहेगा, हाँ, वो ठीक रहेगा, तो फिर वो 45% में तो ठीक है, ठीक ठाक रहेगा। शायद कुछ ऐसा कुछ फिशेज टैंक में एडिशन कर सकते हैं कि जो कि जो नीचे में पड़ा हुआ अनईटन फूड ऐसा कुछ को, हाँ सबस्ट्रेस का जो खाते हैं इसके लिए, तो अच्छा वाला जो प्लेको आता है वो रख सकते हैं, जो एल्विनो प्लेको आता है सस्ते वाला वो भी रख सकते हैं, या फिर कुछ कैट कोड़ी कैट रख सकते हैं। अगर कोड़ी कैट शूट करेगा डिस्कस तभी, मतलब कोड़ी कैट का कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि कोड़ी कैट ना सभी डिस्कस के साथ रहता नहीं है, वो बहुत नाजुक होता है, तो और बहुत डिस्कस क्या है बहुत एग्रेसिव होता है जो डिस्कस, तो वो एग्रेसिवली उसको अगर काट देगा तो वो मर जाएगा। पहले से कोड़ी अगर एडेड है टैंक पे, उसके बाद डिस्कस को इंट्रोड्यूस करवाए वहाँ पे, तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिस्कस पहले से है कोड़ी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो कोड़ी को नीचे जाएगा, कोड़ी नीचे जाएगा फिर दमादम एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कोड़ी उधर ही खत्म। तो अमृता कोई आपसे अगर वीडियो डिस्कस लेना चाहते हैं तो आपका नंबर थोड़ा शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर है 9007921312। मेरा लोकेशन है बाली हावड़ा, नियरेस्ट बाली बाजार, और पैन इंडिया मैं सप्लाई कर पाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगा तो बोल सकते हैं कि मैं डिलीवरी कर दूँगा, वैसे नहीं है प्रॉब्लम। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दक्षिणेश्वर। तो फ्रेंड्स उम्मीद है जो आप लोग सभी इतना नया हॉबिस्ट होंगे जो डिस्कस पालना चाहते हो, उम्मीद है आप लोग को इंक्लूडिंग मिस्टर राजा आपको भी ये पूरा जो धुंधला हुआ एक जो सीन था वो ये वीडियो के ज़रिए से पूरा क्लियर हो गया कि एस टू कितना वाटर चेंज एक आइडियली मिनिमम टू मिनिमम करना चाहिए, वीक में कितना करना चाहिए एंड ऑल, जिससे आपको हेल्प होंगे और आप तय भी कर पाओगे कि आप आगे में इन फ्यूचर आप डिस्कस रख सकते हो एज पर योर टाइम या नहीं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल ऑनिस एक्वा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो अ वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। बाय। थैंक यू अनिवन। थैंक यू।